की कंपनियों को भारत में बिजनेस के लिए प्रोत्साहित किया। कोरोना महामारी के दौरान जब ये कहा जा रहा था कि अगर लॉकडाउन हुआ तो भारत में लोग बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आपदा भी अवसर बन सकती है। कोविड के कठिन वक्त में भी भारत ने मेक इन इंडिया का दम दिखाया और पीपीई किट और वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत को दुनिया के आर्थिक नक्शे पर ब्राइट स्पॉट बताया है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भारत की जीडीपी 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट होने वाली है। अगर 2014 के पहले से तुलना करें तो महंगाई दर अपने न्यूनतम स्तर पर है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर महंगाई लगातार कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इससे भारत के निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि पीएलआई स्कीम्स ने अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जो भारत मोबाइल फोन का नेट इम्पोर्टर था, वो अब उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। आज बड़ी संख्या में मोबाइल फोन निर्यात किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजना से लाखों रोजगार सृजित हुए हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत का डिजिटल इकोनॉमी का सपना आज हकीकत बन चुका है। आज भारत में शहर से लेकर गांव-गांव तक हर कोई यूपीआई का उपयोग कर रहा है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस न केवल ईज ऑफ लिविंग के लिए बेहतर है बल्कि ये अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन का दायरा भी बढ़ाता है। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करने वाला देश बन गया है। भारत का यूपीआई अब वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है। मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश है। क्रय शक्ति समानता पीपीपी के मामले में भी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिनटेक अपनाने में भारत नंबर एक पर है। आज भारत का 2022 से 2023 में अधिकतम शेयर बाजार रिटर्न है, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और भारत विश्व का आर्थिक पावर हाउस बनता जा रहा है।